धूलीपुर महावलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा के चार लेन चौड़ीकरण के मांग को लेकर सभा हुई। सभा के मुख्य अतिथि चंदौली भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार की मंशा गरीबों को जानने की नहीं है, सरकार सड़कों पर विशेष ध्यान दे रही है। यह योजना पहले से बननी हुई थी, इस समय 2 किलोमीटर की दूरी पर रिंग रोड व हाईवे बन रहा है। 6 लेन चौड़ीकरण करने का कोई औचित्य नहीं है। इस मांग को लेकर संघर्ष मोर्चा पिछले कई बार भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से भी मिल चुका है और अपनी मांगों को पूरा करने की बात कर चुका है। अभी चंदौली में मंत्री के आने पर हम सभी लोग मंत्री से मिलकर PWD के चीफ इंजीनियर ACXCN के साथ वार्ता कर 4 लेन कराने पर सहमति बनाई जाएगी ताकि गरीबों को घर न उजड़े, अपनी जीविका चला सकें, सड़कों को सुंदरीकरण हो सके। पिछले दिनों जबलपुर गांव में रेलवे ट्रैक का समस्या का समाधान भी मंत्री ने ही किया था। चंदौली से सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। स्थानीय लोगों ने हमारे जनप्रतिनिधियों से मिला तो आप ये बताइए कि जहां तक इन लोगों ने इंडिकेशन किया है कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ, किसी को हटाया नहीं गया, किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई, किसी आम नागरिक के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। हमारे जनप्रतिनिधियों ने सब चीजों का संज्ञान ले रखा है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी जिससे जनता को कठिनाई महसूस हो। इसके पहले जो है वो आपके सांसद प्रतिनिधि शिवशंकर पटेल को भी बुलाया गया था, उन्होंने भी जो है बहुत सारी बातें कही, लेकिन अभी तक जो है कुछ उसमें हुआ नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं है, उसमें पहल चल रही है, चीफ से भी माननीय मंत्री जी की बात होगी, हम लोग भी संपर्क में है, सारे लोग वार्तालाप के संपर्क में है कि कैसे इसको बचाया जाए, तोड़ फोड़ कम हो और आवागमन की भी सुविधा अच्छी हो और कम से कम नुकसान हो। राणा प्रताप सिंह जी को आज बुलाया गया है, पिछले जगह जब हम मिले थे तो माननीय मंत्री जी ने इनको राणा सिंह जी को कहा था कि आप इस मैटर में रहते हैं, उसी संदर्भ में आपको आज दिल्ली में बुलाया गया है और आपने हमें उम्मीद है कि आपके प्रयास से हम लोग ये सफलता की सीढ़ी चढ़ जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। क्या लगता है कि जो है आप राणा सिंह की बात कर रहे हैं, राणा सिंह जो है आज यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं आज जो है आप लोगों के बीच में, तो क्या लगता है कि राणा सिंह जो है इस मुद्दे को कहाँ तक पहुँचा पाएंगे और क्या उम्मीदें हैं उनसे? आप देखिए मुद्दों को अपने अंजाम तक पहुँचाने का इनका पुराना नाता रहा है, काफ़ी पहले से हम लोग देखते हैं, काफ़ी संघर्षित व्यक्ति है और उसी को देखते हुए हमको उम्मीद है कि ये मुद्दा हमारा सफल होगा। गरीब जनता यहाँ की है, यहाँ कोई बहुत सेठिया लोग नहीं रहते, यहाँ रोज कमाने खाने वाले लोग हैं जिनका घर उजड़ गया। उसी संदर्भ में आज यहाँ मीटिंग बुलाई गई थी कि अब जब भी हम लोगों को माननीय मंत्री जी के यहाँ जाना हो तो राणा जी हम लोगों के नेता बनते, हम लोगों के पैर लोटा करके चलेंगे, क्योंकि ये उधर के भी हैं इधर के। इसके पहले भी आप मंत्री जी से मिले हैं तो क्या मंत्री जी ने हर बार मिलने का आश्वासन दिया, कभी निराश नहीं किया। ये है कि व्यस्तता के कारण कुछ समय लग रहा है और मुझे लगता है जहाँ तक कि अभी राणा जी ने बात किया, मैं बगल में बैठा था, कि अब शायद ये उस कदम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं जो शायद अब अंतिम कदम। क्या लगता है कि ये चैप्टर कब तक क्लोज हो जाएगा? अब अभी माननीय मंत्री जी राणा जी जब मिलवा देंगे तो मैं समझता हूँ उसी दिन मीटिंग होगी, ये चैप्टर क्लोज।